राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा की माने तो सरकार ने पत्नी को प्रताड़ित करने वाले आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा को नोटिस ही नहीं भेजने दिया। ओझा का कहना है, महिलाओं के प्रति अपराधों में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा कि मध्य प्रदेश में पिछले लगभग डेढ़ दशक से महिलाओं के प्रति जघन्य अपराधों में साल दर साल बेतहाशा वृद्धि हुई है। दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, दुष्कर्म के बाद हत्या, मारपीट और छेड़छाड़ की घटनाएं अब आम हो गई हैं और ऐसा लग रहा है कि दुष्कर्मियों और गुंडों ने इस राज्य की धरती को अपना अभ्यारण बना लिया है, जिसके कारण अब महिलाओं में घोर असुरक्षा की भावना व्याप्त हो गई है। आईपीएस पुरुषोत्तम शर्मा के मामले पर ओझा ने कहा, हमने उनको नोटिस भेजा था लेकिन शासन ने उन तक नोटिस पहुंचने ही नहीं दिया है, क्योंकि उन्होंने किस तरह से महिला आयोग को, क्या उन्होंने कमजोर समझा है कि वो ना आए। जब पता लगाने की कोशिश करी, मैंने अपने यहाँ के स्टाफ से पूछा कि आखिर आपने नोटिस सब कर दिया था क्या, क्योंकि मैं नहीं थी यहाँ, मेरे दो मेंबर्स की सिग्नेचर से वो नोटिस भेजा गया था, तो पता लगा कि वो नोटिस ही नहीं सब किया गया। तो ये हालत है महिला आयोग की, सरकार ने यहाँ सीधे सीधे रोका है इन लोगों को कि यहाँ से कोई भी नोटिस सब नहीं किए जाएंगे हमारे कहने पे, या कोई भी महिला को हम न्याय यहाँ से नहीं दिला सकते, उस पे सरकार काम कर रही है। वही मैंने कहा कि असंवैधानिक रूप से सरकार महिला आयोग को काम नहीं करने देगी, जबकि हमको कोर्ट से स्टेटस को मिला हुआ है। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।